Okay guys, so now we will talk about natural disasters in India and then we will talk about disaster management. So now guys, talking about firstly, the natural disasters in India. सबसे पहले guys, हम लोगों को बातचीत करनी है about natural disasters in India. Now I is talking about natural disasters in India. Geographically guys, हमें इंडिया में पांच मेजर नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं. We see five major natural disasters within India, where the first major natural disasters and possibly the most important disasters are what we call earthquakes, or in simple words, seismic activity. तो गाइस, जो पहला मेजर नेचुरल डिजास्टर है जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है, दोस आर अर्थक्वेक्स और सीस्मिक एक्टिविटी. नाउ गाइस, अर्थक्वेक से ही रिलेटेड हम लोगों के पास दो और नेचुरल डिजास्टर्स हैं. वी हैव फर्दर टू मोर नेचुरल डिजास्टर्स व्हिच आर रिलेटेड विद अर्थक्वेक्स, व्हिच आर लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी. ये हैं लैंडस्लाइड्स और सुनामी. तो कुल मिला के तीन नेचुरल डिजास्टर्स हैं यहां पर, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज. आफ्टर दिस गाइस, वी हैव अनदर मेजर नेचुरल डिजास्टर जिसके बारे में आप लोग आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, दे आर साइक्लोन्स. एंड द लास्ट मेजर नेचुरल डिजास्टर दैट इज फाउंड इन इंडिया आर फ्लड्स. तो ये पांच नेचुरल डिजास्टर्स हैं गाइस जो ऑफिशियली हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलते हैं. अब गाइस प्लीज रिमेंबर, वॉल्केनिज्म इंडिया में नहीं होता है. वी डू नॉट सी वॉल्केनिज्म इन इंडिया. बट आप लोगों को सप्लीमेंट्री नोट्स मिलेंगे. आप लोगों को ना अभी तक कुछ सप्लीमेंट्री नोट्स मिले होंगे मेरी तरफ से. एक सप्लीमेंट्री नोट्स मिले होंगे यूएन कन्वेंशंस ऑन एनवायरनमेंट. एक सप्लीमेंट्री नोट्स मिले होंगे या बस मिल ही जाएंगे आजकल में, दे विल बी ऑन रॉक्स. इसी तरीके से एक सप्लीमेंट्री नोट्स होंगे ऑन वॉल्केनिज्म. सप्लीमेंट्री नोट्स का मतलब है ये पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, पढ़ लेंगे तो अच्छा है. तो वॉल्केनिज्म एज सच पर से इंडिया में नहीं होता है. सिर्फ एक ही मेजर एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में, दी बैरन आइलैंड नॉर्थ अंडमान के पास. उसके अलावा और कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है. इस वजह से वॉल्केनिज्म को इंडिया में नेचुरल डिजास्टर कंसिडर नहीं किया जाता है. आपका सिलेबस स्पेसिफिकली कहता है नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया. तो ये गाइस पांच नेचुरल डिजास्टर्स हैं. वॉल्केनिज्म के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपके पास टाइम हो आप उन्हें पढ़ लेंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तब भी एज सच कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा. सो प्लीज रिमेंबर, आपको मेरी तरफ से चार पांच सप्लीमेंट्री नोट्स मिलेंगे. सप्लीमेंट्री मींस दे आर नॉट मैंडेटरी, दे आर ओनली देयर टू एनरिच योर सब्जेक्ट, दे डू नॉट कंप्राइज ऑफ द कोर ऑफ योर सब्जेक्ट. तो रॉक्स के नोट्स हो गए, वॉल्केनिज्म के नोट्स हो गए, एक नोट्स मिलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, एक नोट्स मिलेंगे यूएन कन्वेंशंस के. ये सब पढ़ लोगे तो अच्छा है. डाउट्स जो भी आएंगे मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, वो तो हर समय अलाउड है आपको, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बट वो मैंडेटरी. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर उन्हें पढ़िएगा भी ना तो तब पढ़िएगा जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो कोर टॉपिक्स हैं वो खत्म. Okay guys, so these are the natural disasters that occur in India. Ab guys, in natural disasters ke respect mein, hum logo ko teen cheeze samajhni hai. We have to understand three things. The first thing that we need to understand is,
देयर ज्योग्राफिकल फिनोमेना, कि ज्योग्राफी क्या है इन नेचुरल डिजास्टर्स के पीछे. द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया. फिर जो सेकेंड चीज हमें समझनी है वो हमें समझनी है द डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया. अब गाइस जो थर्ड चीज हमें समझनी है, फिर से समझिएगा, दैट इज द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग दिस नेचुरल डिजास्टर्स. अब गाइस आपने बहुत बार पढ़ा होगा अर्थक्वेक में आपको खुले मैदान में जाना है एटसेट्रा एटसेट्रा. ये डूज एंड डोंट्स है. ये डूज एंड डोंट्स अगेन प्लीज रिमेंबर आपके लिए सप्लीमेंट्री है. ये बच्चों वाली चीज है, यूपीएससी कभी नहीं पूछता है. ओके, ड्रिल्स कंडक्ट करवानी है, खुले मैदान में भाग जाना है, मेज के नीचे घुस जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, थिंग्स लाइक दैट. ओके, इट इज नॉट आस्क्ड टू यू. ये डूज एंड डोंट्स मैं बताऊंगा नहीं क्लास में. फिर से जो नेचुरल डिजास्टर्स के नोट्स मिलेंगे आपको, जो अभी नहीं मिले होंगे, उन नेचुरल डिजास्टर के नोट्स में ये डूज एंड डोंट्स लिखे होंगे, इन्हें वहां से पढ़ लीजिएगा एक बार. याद भी रखने की कोई खास जरूरत नहीं. दिस इज अगेन सप्लीमेंट्री. सो टुडे और राइट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ज्योग्राफिकल फिनोमिनास एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया. ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्टली अर्थक्वेक, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग अर्थक्वेक्स के बारे में बात करेंगे. अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, नेचुरल डिजास्टर्स के जो नोट्स मिलेंगे वो बहुत डिटेल्ड होंगे. क्लास में मैं आपको सिर्फ कोर बातें बता रहा हूं. नेचुरल डिजास्टर्स के नोट्स बहुत डिटेल्ड होंगे. कुछ चीजें उसमें ऐसी होंगी जो क्लास में नहीं बताई गई होंगी. आप चाहें तो उन चीजों को पढ़ सकते हैं, पढ़ ही लीजिएगा, और उनसे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ लीजिएगा. जो मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूं वो कोर नहीं है, वो सप्लीमेंट्री. सो नाउ गाइस वी टॉक अबाउट अर्थक्वेक्स फर्स्ट. सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में. Now talking about earthquakes, guys, an earthquake is defined as a spontaneous movement within the earth's crust which is felt टिल दी सर्फेस. तो गाइज अगर अर्थ क्रस्ट में एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है और इस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को हम लोग सर्फेस तक फील कर पाते हैं. स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक से एक मूवमेंट होता है और इसको हम लोग सर्फेस तक फील कर पाते हैं, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग अर्थक्वेक बुलाते हैं. सच अ मूवमेंट is known as an earthquake. अब गाइस जब हम लोग अर्थक्वेक की बात करते हैं, ज्योग्राफिकली अर्थक्वेक दो फिनोमिनास की वजह से हो सकता है. वी हैव टू डिफरेंट फिनोमिनास दैट लीड टू अर्थक्वेक्स. द फर्स्ट फिनोमिना by which an earthquake occurs is known as, ये important है ज्यादा, theory of elastic rebounds. तो guys जो पहला phenomena होता है जिस phenomena से earthquakes occur करते हैं, that is theory of elastic rebounds. And the second phenomena that occurs due to which earthquakes take place is slip and slide action. दो geographical phenomena होते हैं guys जिनकी वजह से earthquakes occur करते हैं. एक है theory of elastic rebound, एक है slip and slide action. तो हमें ये दोनों phenomena समझने हैं. ये दोनों phenomena इंपॉर्टेंट है. दीज आर
the causes of earthquakes. इस तरीके से गाइस अर्थक्वेक्स कॉज्ड होते हैं. नाउ गाइस लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दी थियरी ऑफ इलास्टिक रिबाउंड. पहले समझते हैं थियरी ऑफ इलास्टिक रिबाउंड. Now guys, when we talk about theory of elastic rebounds, let us try to understand what happens in theory of elastic rebound. Thoda geomorphology mein jana padega. Guys, dhyan se samajhiye. Maan lijiye ye earth crust hai. Aur is earth crust pe yahan par ek fault line hai. Dhyan se sochiye. Ye ek part hai. पार्ट वन, ये दूसरा पार्ट है पार्ट टू. और गाइस पार्ट वन के एडजेसेंट एक और पार्ट है और पार्ट टू के भी एडजेसेंट एक और पार्ट है. ध्यान से समझिएगा. और गाइस ये दोनों जो पार्ट्स हैं इनके हम नाम नहीं लिख रहे हैं, इनको मैं शेड कर रहा हूं. ये दोनों पार्ट्स बहुत ज्यादा हाई मास के हैं. दीज पार्ट्स आर हैविंग वेरी हाई मास. इन सिंपल वर्ड्स गाइस दीज टू पार्ट्स आर इमूवेबल. ये मूव नहीं कर सकते. ये भी इमूवेबल है, ये भी इमूवेबल. अब गाइस ये जो फॉल्ट लाइन हमने P1 और P2 के बीच में बनाई है, इस फॉल्ट लाइन के नीचे है मेंटल प्ल्यूम. वी हैव अ मेंटल प्ल्यूम बिलो दिस फॉल्ट लाइन. और इस मेंटल प्ल्यूम से आप जानते हैं क्या निकल रहे हैं, कन्वेक्शन करंट्स. वी आर हैविंग कन्वेक्शन करंट्स दैट आर मूविंग फ्रॉम दिस फॉल्ट लाइन. अब गाइस ध्यान से बात को समझिए. जब कन्वेक्शन करंट्स का एक्शन होता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है. देयर विल बी डाइवर्जेंस. आपको अपने डायरेक्शंस पता ही हैं, तब भी मैं यहां पर बना देता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. P1 मूव करेगा वेस्टवर्ड, P2 मूव करेगा ईस्टवर्ड. तो गाइज ये P1 है, ये P2 है. P1 वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, P2 ईस्टवर्ड मूव कर रहा है. अब गाइज जब P1 वेस्टवर्ड मूव करेगा तो P1 जाके टकराएगा एक इमूवेबल ब्लॉक से. P1 के वेस्ट में कौन सा ब्लॉक है, यहां पर गाइज इमूवेबल ब्लॉक है. तो P1 जाके टकराएगा एक इमूवेबल ब्लॉक से. और इसी तरीके से P2 जब ईस्टवर्ड मूव करेगा तो P2 भी जाके टकराएगा एक इमूवेबल ब्लॉक से. तो दोनों P1 और P2 किससे जाके टकराएंगे गाइस, इमूवेबल ब्लॉक से जाके टकराएंगे. अब गाइस जब P1 एक इमूवेबल ब्लॉक से जाके टकराएगा और P2 भी एक इमूवेबल ब्लॉक से जाके टकराएगा, तो गाइस उस रीजन की वजह से क्या होगा, उस रीजन की वजह से जो इमूवेबल ब्लॉक है वो P1 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. और जो इमूवेबल ब्लॉक है वो P2 के ऊपर भी कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो P1 वेस्टवर्ड मूव हुआ, P2 ईस्टवर्ड मूव हुआ. लेकिन अब P1 के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, P2 के ऊपर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो P1 और P2 क्या करेंगे, आपस में आके टकरा जाएंगे. और जब P1 और P2 आपस में आके टकराते हैं, कोई भी दो चीजें आपस में आके तेजी से टकराती हैं, तो गाइस उस पूरे के पूरे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है, अगर आप ताली बजाते हैं तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है आपके हाथ में, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं. और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम लोग सीस्मिक एक्टिविटी कहते हैं. तो पहले P1 P2 का डाइवर्जेंस हुआ,
P1 एक इमूवेबल ब्लॉक से टकराया, P2 एक इमूवेबल ब्लॉक से टकराया, इस वजह से दोनों के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस लगे। ये कौन से फोर्सेस हैं? ये रिबाउंड फोर्सेस हैं, इसीलिए इसे थ्योरी ऑफ इलास्टिक रिबाउंड बुलाते हैं। P1 के ऊपर भी एक रिबाउंड फोर्स लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, P2 के ऊपर भी एक रिबाउंड फोर्स लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इन रिबाउंड फोर्सेस की वजह से P1 और P2 आपस में आके टकरा गए। और जब P1 और P2 आपस में आके टकराए तो गाइज इनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, और इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से सीस्मिक एक्टिविटी आ गई। दिस इज हाउ सीस्मिक एक्टिविटी ओरिजिनेट्स। P1 P2 डाइवर्जेंस, P1 इधर गया, P2 इधर गया, रिबाउंड फोर्सेस, P1 और P2 आपस में आके टकराए, और इस वजह से P1 और P2 में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, और इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से सीस्मिक एक्टिविटी का प्रोडक्शन हुआ। ये गाइस सबसे कॉमन तरीका है जिस तरीके से वी हैव द फिनोमेना ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी इन वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज हाउ कॉमनली सीस्मिक एक्टिविटी अकर्स। तो दिस इज द फर्स्ट वे इन विच सीस्मिक एक्टिविटी अकर्स। पहले डाइवर्जेंस, फिर रिबाउंड फोर्सेस की वजह से कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस की वजह से वाइब्रेशंस। अब गाइस एक और तरीका है जिस तरीके से सीस्मिक एक्टिविटी अकर करती है, एंड दैट इज नोन एज स्लिप एंड स्लाइड एक्शन। इसे गाइस हम लोग बोलते हैं स्लिप एंड स्लाइड एक्शन। Now guys, talking about slip and slide action, slip and slide action is basically in the form of a jerk. ये guys एक jerk के form में होता है, और ये jerk के form में तब होता है जब, ध्यान से समझिएगा, what happens? जब गाइस दो पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट आपस में बहुत ज्यादा फोर्स के साथ कन्वर्ज कर जाते हैं, दिस जर्क हैपेंस व्हेन टू पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट कन्वर्ज विद अ हाई फोर्स। जब क्रस्ट के दो पार्ट्स आपस में बहुत तेजी से कन्वर्ज करते हैं, देखिए ये मेरा फोन, ये एक पार्ट है क्रस्ट का, ये एसी का रिमोट, ये दूसरा पार्ट है क्रस्ट का, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों पार्ट्स जब आपस में आके कन्वर्ज करेंगे, आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, और अभी भी दोनों पार्ट्स में बहुत ज्यादा कन्वर्जिंग फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि अब मैं इस फोन को और इस रिमोट को आपस में दबाऊंगा, तो अगर ये दोनों दबेंगे तो देखिए मैं जैसे जैसे फोर्स लगाता चला जाऊंगा क्या होगा, कुछ ऐसा फिनोमेना हो जाएगा। दिस इज व्हाट विल अकर। मेरा फोन पहले इस रिमोट के सरफेस के अलोंग मूव करेगा और फिर इस रिमोट के नीचे चला जाएगा, इस तरीके से ताकत लगा के देखेंगे दो सर्फेसिस को लेके, तो हमेशा यही फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा। इसी फिनोमिना को गाइस, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, रिमोट भी नीचे जा सकता है, फोन भी नीचे जा सकता है, इसी फिनोमिना को हम लोग बुलाते हैं स्लिप एंड स्लाइड एक्शन। पहले जब ये फोन इस रिमोट के सर्फेस के अक्रॉस मूव करता है, दिस इज स्लिप, और जब ये रिमोट ये फोन इस रिमोट के नीचे चला जाता है, देन दिस इज स्लाइड। अब ध्यान से सोचिएगा, ये रिमोट, ये फोन, दोनों बहुत तेजी से कन्वर्ज कर रहे हैं, फोन रिमोट के नीचे चला गया। जैसे ही फोन रिमोट के नीचे जाएगा, ध्यान से देखिएगा, रिमोट के ऊपर कोई खास फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन फोन के ऊपर जो भी अर्थ का सर्फेस है, उस सर्फेस को क्या फील होगा? एक जर्क फील होगा, और इस जर्क की वजह से बहुत ज्यादा तेज अर्थक्वेक हमें फोन वाले सरफेस पे देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। दो चीजें आपस में बहुत तेज फोर्सेस से कोलाइड करती हैं या कन्वर्ज करती हैं, पहले स्लिप होता है और फिर स्लाइड होता है,
और इस वजह से जिस भी पार्ट का स्लिप एंड स्लाइड होता है उस पार्ट में बहुत ही तेज जर्क देखने को मिलता है और इसी जर्क की वजह से एक बहुत ही तेज अर्थक्वेक आता है। तो जब दो पार्ट ऑफ द क्रस्ट आपस में कन्वर्ज करते हैं हाई फोर्स के साथ, देन वी ऑब्जर्व स्लिप एंड स्लाइड एक्शन, ऑन ड्यू टू दिस स्लिप एंड स्लाइड एक्शन वी फील अ जर्क, जो जर्क किसको ओरिजिनेट करवाता है, एक स्ट्रॉन्ग सीस्मिक एक्टिविटी को ओरिजिनेट करवाता है। अब प्लीज रिमेंबर, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन है। अभी आधे लोगों के दिमाग में आ गया होगा, सर ये तो सबडक्शन नहीं हो रहा। नहीं, ये सबडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन था आपके लिए। बहुत ही थोड़ा सा स्लिप होता है और बहुत ही जरा सा स्लाइड मार जाता है, बस ये सबडक्शन नहीं है। सबडक्शन में बहुत ज्यादा क्रस्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है। स्लाइड एक्शन को प्लीज सबडक्शन के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज स्लाइड एक्शन विद सबडक्शन। So this is what happens in slip and slide action. तो दो तरीके हैं guys, जिस तरीके से earthquakes आते हैं, एक तो theory of elastic rebound, पहले divergence फिर convergence, और एक slip and slide action। दो चीजें जब बहुत ही तेजी से converge करती हैं, तो एक चीज दूसरी चीज के नीचे slip और slide मारती है, और इस slip और slide की वजह से एक jerk feel होता है, और उसी jerk की वजह से एक strong seismic activity देखने को मिलती है। So these are the two ways how earthquakes are caused. Theory of elastic rebound की वजह से generally हम लोगों को weak seismic activity देखने को मिलती है, और guys slip and slide action की वजह से generally हम लोगों को एक strong seismic activity देखने को मिलती है। So the first thing that we need to know is how earthquakes are caused. अब आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बात की थी, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में ये बात की थी ना, जब इंडियन ओशन में सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है तो इंडियन प्लेट किसकी तरफ मूव करती है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करती है। और तब गाइज यही होता है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट, मेरी हाथ यूरेशियन प्लेट है, मेरा फोन इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जब नॉर्थवर्ड मूव करती है तो ये स्लिप भी मारती है और थोड़ा सा स्लाइड भी मारती है, और इसी वजह से इंडो यूरेशियन प्लेट बाउंड्री पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आते हैं। तो जो इंडो यूरेशियन प्लेट बाउंड्री पे अर्थक्वेक्स आते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आते हैं गाइस, वो अर्थक्वेक कौन से फिनोमेना की वजह से आते हैं, स्लिप एंड स्लाइड एक्शन की वजह से आते हैं। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, चिंता मत। So this is or these are the scenarios due to which earthquakes occur. तो सबसे पहले हमें इतनी बात समझनी है। अब guys, जो next चीज हमें earthquakes के बारे में समझनी है, that is the measurement of the earthquakes. Earthquakes को guys हम लोग एक scale पे measure करते हैं, which is known as the Richter scale. Richter scale is the scale that measures the magnitude of the earthquake. Richter scale guys वो scale होता है जो earthquake का magnitude measure करता है. Now let us try to understand what is the magnitude of the अर्थक्वेक। अब ध्यान से समझिएगा गाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज द एनर्जी ऑफ सीस्मिक वेव्स। गाइज जब हम लोग अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, गाइज अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड सीस्मिक वेव्स की एनर्जी का मेजरमेंट होता है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सीस्मिक वेव्स। नाउ गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट सीस्मिक वेव्स, अब ध्यान से बात को समझिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है।
व्हेन वी टॉक अबाउट सीस्मिक वेव्स, अभी आप लोगों ने देखा चाहे इलास्टिक रिबाउंड हो रहा है चाहे स्लिप एंड स्लाइड एक्शन हो रहा है. गाइस अर्थक्वेक हमेशा कहां अकर करते हैं? अर्थक्वेक हमेशा अकर करते हैं एट क्रस्टल क्रैक्स, जहां पर भी क्रस्टल क्रैक होगा और उस क्रस्टल क्रैक के पास मेंटल प्ल्यूम होगा वहां पर गाइस अर्थक्वेक्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. The probability of the earthquakes will be the highest. अब guys, जब भी earthquake आएगा ध्यान से देखिएगा, ये एक पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, या तो ये आपस में collide करेंगे और vibrations होंगी या फिर slip and slide action होगा. जब भी चाहे ये collide करेंगे और चाहे slip and slide action होगा, दोनों cases में guys जो भी crustal cracks होंगे वहां पर movement देखने को मिलेगा. We will observe movement in the crustal cracks. और guys, आप लोग जानते ही होंगे जहां पर भी movement देखने को मिलता है वहां पर एक type की energy का generation होता है which is kinetic energy. तो guys, यहां पर हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का जनरेशन देखने को मिलेगा. अब गाइस कोई एक पॉइंट होगा इस क्रस्टल क्रैक में जहां पर मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिलेगा. जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिलता है प्लीज रिमेंबर उसी पॉइंट को गाइस वी कॉल द हाइपोसेंटर. उसी पॉइंट को हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं, हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. इसी हाइपोसेंटर पे गाइस किसका जनरेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी का जनरेशन होता है. तो फॉल्ट लाइन में क्रिस्टल क्रैक पे कहीं ना कहीं हाईएस्ट मूवमेंट हुआ है, उसी रीजन को गाइस जहां पर हाईएस्ट मूवमेंट होता है उसी रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? हाइपोसेंटर बुलाते हैं. अब गाइस क्योंकि एनर्जी का जनरेशन हुआ है, एनर्जी का जनरेशन हमेशा किस फॉर्म में होता है? एनर्जी का जनरेशन हमेशा वेव्स की फॉर्म में होता है. द जनरेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. अब गाइस जब हम लोग हाइपोसेंटर की बात करते हैं, हाइपोसेंटर से दो टाइप की वेव्स प्रोजेक्ट आउट करती हैं जिन्हें हम लोग बुलाते हैं प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव्स दैट प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द हाइपोसेंटर ड्यू टू द जनरेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच आर नोन एज प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. In simple words, they are called P waves and S waves. अब guys, P waves और S waves के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए. Guys, P waves, बस दो बातें पता होनी चाहिए. P waves have low energy. S waves have higher energy. P waves can move through all mediums. S waves can move only through solids. P waves सारे के सारे medium से move कर सकती हैं. S waves सिर्फ और सिर्फ solids के through move कर सकती हैं. P waves की low energy होती है, S waves की high energy होती है. अब guys और ध्यान से समझिएगा, पी वेव्स और एस वेव्स जब डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स ट्रेवल करती हैं तो ये एक पॉइंट से जाके हिट करती हैं और इसी पॉइंट को हम लोग बुलाते हैं एपी सेंटर. तो हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जहां पर पी वेव्स और एस वेव्स जाके हिट करती हैं
गाइस उस पॉइंट को हम लोग बुलाते हैं एपी सेंटर, दैट पॉइंट इज नोन एज दी एपी सेंटर। टॉकिंग अबाउट दी एपी सेंटर गाइस, जब हम लोग एपी सेंटर की बात करते हैं तो एपी सेंटर से भी पी वेव्स और एस वेव्स का लिबरेशन होता है। पी वेव्स और एस वेव्स लिबरेट करती हैं, लेकिन गाइस यहां पर एक और वेव्स का जनरेशन होता है विच आर नोन एज एल वेव्स। एल वेव्स आर लॉन्ग वेव्स। एल वेव्स गाइस सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ट्रैवल करती हैं, दे ओनली ट्रैवल ऑन दी सरफेस। और गाइस एल वेव्स की हाईएस्ट एनर्जी होती है, एल वेव्स हैव हाईएस्ट एनर्जी। हम लोगों को गाइस जो भी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेव्स की वजह से देखने को मिलते हैं, एल वेव्स की तरीके से देखने या एल वेव्स की वजह से देखने को मिलते हैं। ऑल मूवमेंट्स दैट वी ऑब्जर्व आर ड्यू टू एल वेव्स। एल वेव्स ओनली ट्रेवल ऑन दी सर्फेस, एल वेव्स हैव दी हाईएस्ट एनर्जी। गाइस कभी ना पानी में पत्थर फेंका होगा, पानी में पत्थर फेंकेंगे ना तो एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे पत्थर जाके गिरेगा, वो जो पॉइंट है ना जिस पॉइंट पे पत्थर जाके गिरता है वो पॉइंट है एपिसेंटर। और फिर आपने देखा होगा जिस पॉइंट पे पत्थर जाके गिरेगा उस पॉइंट से सर्क्युलर फॉर्म में कुछ वेव्स का ओरिजिनेशन होगा और वो वेव सिर्फ सरफेस पे ही ट्रैवल करेंगी। ये जो सर्कुलर वेव्स है ना जो सिर्फ सरफेस पे ही ट्रैवल कर रही हैं, जिनका ओरिजिनेशन उस पॉइंट से हुआ है जिस पॉइंट पे पत्थर जाके गिरा था, यही वेव्स गाइस होती हैं एल वेव्स। बस पानी में जब आप पत्थर फेंकते हैं उसी बात को याद रखिए, जिस पॉइंट पे पत्थर जाके गिरा है वो है एपिसेंटर, और ये जो सर्कुलर वेव्स निकली हैं हर डायरेक्शन में यही वेव्स होती हैं एल वेव्स। हम लोगों को जो भी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं सरफेस पे उन्हीं मूवमेंट्स, वो सारे के सारे मूवमेंट्स गाइस कौन सी वेव्स की वजह से होते हैं, वो सारे के सारे मूवमेंट्स एल वेव्स की वजह से ही होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो गाइस दो पॉइंट्स हैं, प्लीज रिमेंबर, एक पॉइंट है हाइपोसेंटर जो क्रस्ट के अंदर है, एक पॉइंट है एपिसेंटर जो सरफेस पे है। हाइपोसेंटर से कौन सी वेव्स निकलती हैं, पी और एस, और एपिसेंटर से कौन सी वेव्स निकलती हैं, एंड वेव्स। हमें जो मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं वो कौन सी वेव्स की वजह से देखने को मिलते हैं, एल वेव्स की वजह से देखने को मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इन्हीं सारी की सारी वेव्स की एनर्जी कौन मेजर करता है, इन्हीं सारी की सारी वेव्स की एनर्जी रिक्टर स्केल मेजर करता है। तो जब हम लोग सीस्मिक वेव्स की बात करते हैं, we are talking about the waves that are generated during seismic activity. हम उन वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं जो सीस्मिक एक्टिविटी के टाइम जनरेटेड है। और गाइस सीस्मिक एक्टिविटी के टाइम कितने टाइप की वेव्स जनरेट होती हैं, we have P, S and L waves. अब जब L waves मूव करती हैं तो एल वेव्स के मूवमेंट की वजह से ही जब ग्राउंड में मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से जो बिल्डिंग्स हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं, और जब बिल्डिंग्स इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं तो यही बिल्डिंग्स फॉल कर जाती हैं। तो जितना डिस्ट्रक्शन होता है ना अर्थक्वेक के टाइम, वो सारा का सारा डिस्ट्रक्शन मेजरली कौन सी वेव्स की वजह से होता है, एल वेव्स की वजह से होता है। मेजरली द डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय द एल वेव्स। अब गाइस जब हम लोग रिक्टर स्केल के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल मूव्स फ्रॉम 1 to 10। रिक्टर स्केल मूव करता है 1 से लेके 10 तक। अब गाइस 1 और 10 के बीच का मिड पॉइंट कौन सा होता है, 5। गाइस जितने भी अर्थक्वेक्स रिक्टर स्केल पे 1 to 5 के मैग्नीट्यूड पे आते हैं, दीज आर नॉन डिस्ट्रक्टिव
अर्थक्वेक्स। ये अर्थक्वेक्स गाइस नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये अर्थक्वेक्स कोई डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करते। जमीन हिलती जरूर है बट इतनी ज्यादा नहीं हिलती है कि इस वजह से बिल्डिंग्स जो हैं वो इंबैलेंस होके गिर जाए, लेकिन 5 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं, ये सारे के सारे अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं? ऑल दीज अर्थक्वेक्स आर डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं गाइस। जो अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड से कम होते हैं, ये अर्थक्वेक्स जनरली आते हैं ड्यू टू इलास्टिक रिबाउंड्स। और जो अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा होते हैं, ये जनरली आते हैं ड्यू टू स्लिप एंड स्लाइड एक्शन। तो हमें रिक्टर स्केल के बारे में इतनी बात पता होनी चाहिए। रिक्टर स्केल 1 to 10 चलता है, और गाइस रिक्टर स्केल में मेजरमेंट 1 decimal place तक होता है, इट इज स्टिल 1 decimal place। अगर रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब एनर्जी ऑफ दी सीस्मिक वेव्स, अगर रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 5 से कम है तो गाइस अर्थक्वेक नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, और अगर ये 5 से ज्यादा है तो गाइस अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक जनरली इलास्टिक रिबाउंड्स की वजह से होते हैं, और डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक जनरली स्लिप एंड स्लाइड एक्शन की वजह से होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट हाउ अर्थक्वेक अकर्स, हाउ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, एंड व्हाट आर द वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। सबसे पहले गाइस इतनी कहानी है जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट अर्थक्वेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको थियरी ऑफ इलास्टिक रिबाउंड्स पता होनी चाहिए, आपको स्लिप एंड स्लाइड एक्शन पता होना चाहिए, आपको पी एस एंड एल वेव्स पता होनी चाहिए, हाइपोसेंटर एपिसेंटर पता होना चाहिए, और लास्टली आपको रिक्टर स्केल पता होना चाहिए। नाउ गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, अब जब हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया गाइस, इंडिया के रिस्पेक्ट में वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया लाइज इन वन ऑफ द मोस्ट सीस्मिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है गाइस वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंटेंस सीस्मिक जोन्स में लाए करता है। स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर जो इंडो यूरेशियन प्लेट बाउंड्री है, उस इंडो यूरेशियन प्लेट बाउंड्री में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। वी हैव हाई अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक्स इन इंडो यूरेशियन प्लेट बाउंड्री। अब गाइस इंडिया का पूरा सर्वे करने के बाद इंडिया के हरेक रीजन में अर्थक्वेक्स को स्टडी करने के बाद वी हैव कम अप विद सीस्मिक जोनेशन ऑफ इंडिया। हम लोगों ने गाइस, या हम लोगों ने क्या, एनडीएमए ने, अभी आगे हम लोग एनडीएमए के बारे में बात करेंगे, इंडिया की एक सीस्मिक जोनेशन निकाली है, यानी कि इंडिया को एज अ होल कुछ सीस्मिक जोन्स में डिवाइड किया है। It has divided India into certain seismic zones on the basis of the probability of seismic activity. कि किस region में कितनी possibility है seismic activity की। अब but obvious सी बात है guys, जिस region में जितनी ज्यादा fault lines होंगी, जितने ज्यादा crustal cracks होंगे, उतनी ज्यादा possibility होगी seismic activity की। अब guys ये zonation, अब ध्यान से समझिएगा, ये line आपके लिए important है। ये जोनेशन की गई थी 2006 में गाइस, जब ये जोनेशन की गई थी तो इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया था, जोन 1 to जोन 5, जहां पर जोन 1 ऐसा जोन है जहां सबसे कम पॉसिबिलिटी है अर्थक्वेक के आने की, और जोन 5 ऐसा जोन है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक के आने की। लेकिन गाइस 2013 में जोन 1 को हटा दिया गया,
यानी कि जो रीजंस जोन वन में आते थे उन रीजंस को भी जोन टू में डाल दिया गया, यानी कि जोन वन और जोन टू को क्लब कर दिया गया। तो अब हमारे पास चार ही जोन्स हैं। नाउ वी हैव ओनली फोर जोन्स, जोन टू, जोन थ्री, जोन फोर, जोन फाइव, जहां पे जोन टू में लीस्ट प्रोबेबिलिटी है और जोन फाइव में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो गाइज अब हमें जो लास्ट बात समझनी है अर्थक्वेक्स के बारे में, दैट इज सीस्मिक जोनेशन ऑफ इंडिया। तो सीस्मिक जोनेशन में क्या है, इंडिया को कुछ सीस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है, जहां पर जोन फाइव में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है अर्थक्वेक आने की, जोन वन में सबसे कम पॉसिबिलिटी है। ये डिविजन किस बेसिस के ऊपर किया गया है, ये डिविजन फॉल्ट लाइन की प्रेजेंस की बेसिस के ऊपर किया गया। ऑरिजिनली 2006 में किया गया था, लेकिन 2013 में जोन वन को जोन टू के साथ क्लब कर दिया गया है। अब हमारे पास कितने जोन्स हैं, सिर्फ चार जोन्स हैं, टू थ्री फोर फाइव। तो मत पूछिएगा सर जोन वन कहां गया, जोन वन हटा दिया गया है, अब सिर्फ चार ही जोन्स हैं, जोन टू टू जोन फाइव। जोन टू में सबसे कम प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक आने की, जोन फाइव में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक आने की। अब गाइज हम लोग एक मैप बनाएंगे and according to this map we will see what is the seismic zonation in India. Ab guys hum log samajhne ki koshish karte hain about seismic zonation in India, which are the regions in India which are more prone to earthquakes. Ab guys jab hum log seismic zonation ki baat karte hain, ek baat to yaad rakhiyega, आपको सारे के सारे रीजन्स नहीं समझने हैं। कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इलाहाबाद कौन से सीस्मिक जोन में पड़ता है, वाराणसी कौन से सीस्मिक जोन में पड़ता है, दिल्ली कौन से सीस्मिक जोन में पड़ता है। आपको बस एक आइडिया होना चाहिए इंडिया का कौन सा रीजन कौन से सीस्मिक जोन में पड़ता है। और गाइस सीस्मिक जोन फाइव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि सीस्मिक जोन फाइव कहां कहां पड़ता है। बस बाकी जोन्स के बारे में सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए और सीस्मिक जोन फाइव आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। नाउ गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट सीस्मिक जोनेशन इन इंडिया, इंडिया का एक मैप बनाते हैं। आप बनाना चाहें बना लीजिए, आपके नोट्स में ये मैप बना होगा। Now guys, within this map, the first region that we need to know is seismic zone 5. 5 सबसे important है। तो जितने भी regions को मैं red color से mark कर रहा हूं guys, this is all seismic zone 5, lying right next to Indo-Eurasian plate boundary. ये पूरा का पूरा रीजन है गाइस विच इज सीस्मिक जोन 5। दिस रीजन गाइस इज जोन फाइव, द रेड रीजन। जितना भी रेड रीजन है ये सारा का सारा रीजन सीस्मिक जोन फाइव। इसमें गाइस हम लोगों के पास जो रीजन्स आते हैं दे आर कश्मीर वैली, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, नॉर्दर्न बिहार एंड गुजरात एंड complete region of northeastern India. Guys, these are the regions which are present in zone 5. ये zone 5 वाले regions हैं। अब guys, इसके बाद आता है zone 4.
Zone 4 is the region that is surrounding Zone 5. Zone 5 को जितना region surround करता है, all this region is Zone 4. ये पूरा region guys Zone 4 है, जिसे मैंने purple से mark किया है. और गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा, सदर्न महाराष्ट्र और गोवा भी जोन फोर में आता है. दिस इज द रीजन विच इज जोन फोर. तो गाइस अगर हम लोग जोन फोर में देखते हैं तो जोन फोर में आता है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश रिमेनिंग पार्ट्स, हरियाणा, दिल्ली, इंडो नेपाल बाउंड्री, वेस्टर्न राजस्थान, सदर्न महाराष्ट्र एंड गोवा. These are the regions that are present in zone 4. Iske baad guys we come to zone 3. Talking about zone 3 guys, the regions surrounding zone 4 is zone 3. Jitna region जोन फोर को सराउंड कर रहा है वो सारा का सारा रीजन जोन थ्री है. दिस इज ऑल जोन थ्री. यहां पर भी दिस कंप्लीट रीजन इज जोन थ्री. तो गाइस जब हम लोग जोन थ्री की बात करते हैं, ये जहां पर मैं ग्रीन क्रॉसेस बना रहा हूं, दिस रीजन इज जोन थ्री. दिस कंप्लीट रीजन गाइस बिलोंग्स टू जोन थ्री. इसमें आप लोग देख सकते हैं मेजरली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आ जाती हैं और इंडिया की कोस्टल प्लेन्स आ जाती हैं. द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स मेजरली कंप्राइज ऑफ जोन थ्री. ये पूरा रीजन गाइस जोन थ्री है. दिस कंप्लीट रीजन इज जोन. जहां पर ग्रीन क्रॉसेस प्रेजेंट है, दिस इज द रीजन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, सदर्न गुजरात, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, विंध्या रेंज. देखिए बीच में जो विंध्या रेंज है वो भी जोन थ्री है, एंड कोस्टल प्लेन्स of India. This complete region guys is zone 3. अब जो कुछ भी बचता है, this is completely zone 2. Whatever remains, जहां पर मैं black dots बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा region guys zone 2 है, जहां पर earthquake आने की सबसे कम पॉसिबिलिटी है. दिस इज द रीजन विच हैज लोएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक. दिस इज जोन टू. सबसे कम फॉल्ट लाइंस हैं यहां पर. यहां पर गाइस हम लोगों के पास आता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर,
प्लाटो एंड डेकन प्लाटो, दीज आर दी फोर जोन्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया। ये चार जोन्स हैं गाइस जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। साथ में आप लोग जानते ही हैं इंडिया में या इंडिया के पास दो आइलैंड्स हैं, वी हैव लक्षद्वीप एंड वी हैव अंडमान निकोबार। प्लीज रिमेंबर गाइस, लक्षद्वीप इज जोन 3 एंड अंडमान निकोबार इज जोन 5। सो दिस इज द सीस्मिक जोनेशन ऑफ इंडिया। जोन 5 हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक, जोन 2 लोएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो गाइस इतनी कहानी है जो हम लोगों को समझनी है अबाउट अर्थक्वेक्स। दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट अर्थक्वेक्स। तो थियरी ऑफ इलास्टिक रिबाउंड्स, स्लिप एंड स्लाइड एक्शन, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स, एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, रिक्टर स्केल और लास्टली सीस्मिक जोनेशन। अब गाइस अर्थक्वेक से ही रिलेटेड हम लोगों के पास दो और नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। वी हैव टू अदर नेचुरल डिजास्टर्स व्हिच आर रिलेटेड विद अर्थक्वेक्स, वेयर दी फर्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज लैंडस्लाइड्स एंड दी सेकेंड नेचुरल डिजास्टर आर सुनामी। अब गाइस जब हम लोग लैंडस्लाइड्स और सुनामीज के बारे में बात करते हैं, ये दोनों के दोनों नेचुरल डिजास्टर्स गाइस अर्थक्वेक्स के थ्रू ही ओरिजिनेट करते हैं। पहले अर्थक्वेक आना चाहिए, अर्थक्वेक आने के बाद ही हम लोगों को लैंडस्लाइड्स या सुनामीज देखने को मिलते हैं। सो नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट लैंडस्लाइड्स फर्स्ट, पहले हम लोग बातचीत करते हैं अबाउट लैंडस्लाइड्स। अब गाइस जब हम लोग लैंडस्लाइड्स के बारे में बात करते हैं, अब ये दोनों छोटे छोटे हैं, टॉकिंग अबाउट लैंडस्लाइड्स, गाइस लैंडस्लाइड्स आर डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of rocks lying on the mountain slopes towards the valley। अब गाइस जब हम लोग लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं, then when we are talking about landslides, landslides में अगर कोई माउंटेन है, किसी भी माउंटेन के ऊपर बहुत सारी रॉक्स पड़ी होती है, अब गाइज अचानक से अगर ये रॉक्स डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दें वैली की तरफ, माउंटेन के एडजेसेंट क्या होती हैं, वैलीज होती हैं, अगर ये रॉक स्पॉन्टेनियसली वैली की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, तो इसी फिनोमेना को गाइस हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज लैंडस्लाइड्स, इसी को हम लोग लैंडस्लाइड्स कहते हैं। अब गाइस आप लोग जानते हैं कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्नो की प्रेजेंस होती है, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ स्नो
अगर गाइस माउंटेन्स के ऊपर स्नो की प्रेजेंस है तो जब रॉक्स डाउनवर्ड मूव करेंगी तो रॉक्स अपने साथ स्नो को भी लेके आएंगी. The rocks will also bring snow with them. अब गाइस अगर रॉक्स के साथ साथ स्नो का भी डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, इफ वी सी द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ बोथ रॉक्स एंड स्नो, देन सच अ फिनोमेना इज नोन एज एन एवलांचे. ऐसे ही फिनोमेना को हम लोग एवलांचे कहते हैं. अगर सिर्फ रॉक्स का मूवमेंट हो रहा है, ओनली रॉक्स, then that is a landslide, and if with rocks there is also snow, then that is an avalanche. So please remember, avalanche sirf tabhi hota hai when mountains are covered with snow. Jab mountains snow se covered hote hain, तब गाइस हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? तब हम लोगों को एवलांचे देखने को मिलता है. तो सिर्फ रॉक्स का मूवमेंट है तो लैंडस्लाइड, और अगर रॉक्स के साथ साथ स्नो का भी डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एवलांचे. अब गाइस नॉर्मल कंडीशंस में ऑल दीज रॉक्स are in a static equilibrium. अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग साइंटिफिकली समझ रहे हैं लैंडस्लाइड क्यों होती है. गाइस ये जितनी भी रॉक्स होती हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती हैं, यानी इन रॉक्स के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होते हैं. ऑन दीज रॉक्स देर आर टू फोर्सेस. The first force is the downward force of gravity. पहला force जो लग रहा होता है वो gravity का force लग रहा होता है, और दूसरा force जो लग रहा होता है वो rocks का surface के साथ contact की वजह से friction लग रहा होता है. Gravity इन्हें नीचे की तरफ खींचती है लेकिन friction इनके movement को रोकता है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब फ्रिक्शन ग्रेविटी से ज्यादा हो जाता है. तो नॉर्मल कंडीशंस में जो फ्रिक्शन होता है गाइस वो किससे ज्यादा हो जाता है? नॉर्मल कंडीशंस में जो फ्रिक्शन होता है वो ग्रेविटी से ज्यादा हो जाता है, और इसी रीजन की वजह से रॉक्स का कोई मूवमेंट देखने को नहीं. We see no movement of the rocks. लेकिन guys, अगर earthquake आता है तो earthquake की वजह से ये static equilibrium disturb हो जाता है. This static equilibrium is disturbed. और जब ये static equilibrium disturb हो जाता है तो गाइस ग्रेविटी का एक्शन किससे ज्यादा हो जाता है? ग्रेविटी का एक्शन फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है, और हमें रॉक्स का डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है. वी सी द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रॉक्स. ऐसे आती है लैंडस्लाइड. दिस इज हाउ लैंडस्लाइड कम्स. तो गाइस ओरिजिनली एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, जिस स्टैटिक इक्विलिब्रियम की वजह से जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो ग्रेविटी का फोर्स किससे ज्यादा होता, सॉरी किससे कम होता है? फ्रिक्शन से कम होता है, और इसी रीजन की वजह से रॉक्स का कोई मूवमेंट नहीं होता. लेकिन जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से
रॉक्स का मूवमेंट डाउनवर्ड होने लग जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगने लग जाता है, और तभी क्या चीज अकर करती है, लैंडस्लाइड्स अकर करती है। ध्यान से देखिए, इसका मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता हूं। ये मेरा हाथ सरफेस है, ये कैप माउंटेन है, और ये टिश्यू पेपर रॉक है। ये देखिए सरफेस माउंटेन रॉक, अभी ये रॉक नहीं हिलेगी, ये कैसी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, फ्रिक्शन किससे ज्यादा है, ग्रेविटी से ज्यादा है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आने की वजह से सरफेस क्या होने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा। और देखिए जैसे ही सरफेस हिलने लग जाएगा, ये रॉक किस तरफ मूव करने लग जाएगी, ये रॉक डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगी। यही होता है, exactly this is the phenomena that is observed during a landslide. जो seismic activity है वो rock के equilibrium को disturb कर देती है, और इसी disturbance की वजह से rock downward move करती है। इसीलिए guys अब आप लोग समझ सकते हैं, landslide हम लोगों को कहां देखने को मिलेंगी। लैंडस्लाइड्स हम लोगों को देखने को मिलेंगी जहां माउंटेनियस रीजन्स हैं और जहां पर सीस्मिक एक्टिविटी भी होती है। जहां पर भी माउंटेनियस रीजन्स होंगे और साथ में सीस्मिक एक्टिविटी होगी, इन दोज रीजन्स वी विल सी लैंडस्लाइड्स। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब वापस आते हैं सीस्मिक जोनेशन की तरफ। गाइस, नंबर वन कश्मीर वैली, नंबर टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नंबर थ्री ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, एंड नंबर फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये चारों की चारों जगह किससे प्रोन है? All these four regions are prone to landslides. Mountainous region भी है, zone 5 भी है seismic activity का, इसी reason की वजह से यहां पर बहुत सारी landslides आती है। So we have Kashmir Valley landslide, we have western part of Himachal Pradesh landslide, we have northern part of Uttarakhand landslide, and we have northeastern India landslides. ये जितने भी zones zone 5 में या जितने भी region zone 5 में मैंने yellow से highlight किए हैं, ये सारे के सारे regions क्या हैं? All these regions are prone to landslides.